हे पीपल, वेलकम टू दी व्लॉग। सो आज ना लास्ट डे है मेरा मेकअप कोर्स का और मैं जा रही हूँ बस। और आज मेरे को ही फाइनल लुक क्रिएट करना है, तो मैंने ये कुर्ती पहनी है क्योंकि मुझे लगता है इंडियन लुक्स ऑलवेज सूट्स द बेस्ट ऑन मी। और अभी मैं बस अपना सामान लेके जा रही हूँ, दीदी मेरा वेट ही कर रही होंगी। हमने 12 बजे का टाइम कर दिया था और आज मैं टाइम पर निकल रही हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी और आज सुबह उठते ही इतने काम आ रखे हैं ना, मैं सारे काम निपटाए भी हैं। चलते हैं पहले, फिर आपको मिलता। आज था मेरा लास्ट डे और आज मैंने ये लुक रिक्रिएट किया। मैंने चश्मा पहन रखा है, ये लुक मैंने क्रिएट किया है। दीदी ने मुझे जितना सिखाया बहुत बहुत अच्छा सिखाया, एंड आप लोग देख सकते हैं पूरी मेहनत दीदी की मेरे मुंह पे। ये लाइट के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की इशू है, बाकी तो बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर हमें लाइट पर अलग लग जाते हैं, बट दीदी को लाइट बंद करके दिखाना, ऑफ कैमरा में दिखा देते हैं। ये देखो दीदी, ठीक लग रहा है? वेरी नाइस। सर आ गई हूँ अपना मेकअप कोर्स से और ये रहा मेरा लुक जो आप लोग देख सकते हो। आज मैंने खुद ही ये लुक रिक्रिएट करा है, मतलब रिक्रिएट क्यों बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। लुक क्रिएट किया है दीदी ने, मुझे बहुत बहुत अच्छा सिखाया कनिका गुलाटी मैम ने। वैसे तो मैं दीदी बोलती हूँ एंड अब तो लाइफ टाइम का कनेक्शन जुड़ गया। सो ऑल चीयर्स टू दीदी, क्योंकि मेरे को ब्लेंड करना भी अच्छे से नहीं आता था, मुझे ब्लश लगाना भी अच्छे से नहीं आता था। मेरे लिए पहले बचपन में मेरी दोस्त मुझे तैयार करती थी और मेरे आज तक मेरे दोस्तों ने ही मुझे तैयार करा है, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत खुद से तैयार हो सकती हूँ। और अभी घर वर पे भी बेसिकली तो मैं खुद थोड़ा बहुत तैयार हो जाती थी, डीडी क्रीम या बीबी क्रीम लगा के, बट एक प्रॉपर फाउंडेशन कंसीलर के साथ काम करना नहीं आता था मुझे। और मैंने दीदी को पहले बता दिया था कि मेरा आँखों का ऑपरेशन हो रखा है, तो आँखों के आसपास मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा सकती। तो दीदी ने मुझे बहुत मिनिमल चीज़ से काम करना सिखाया। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि डार्क सर्कल्स क्यों अच्छे से नहीं हट रहे, तो क्योंकि वो ऑपरेशन हो रखा। और दीदी ने इतना अच्छा सिखाया कि मतलब पूरा आप डेफिनेशन देख सकते हो, मेरी आँख ना छोटी बड़ी भी लगती थी। तो दीदी को ऑल सारा का सारा क्रेडिट जाता है उन्होंने, मेरे को तो सिर्फ सीखा है और बाकी सारा क्रेडिट दीदी की तरफ है। और ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो आप सोचे कोलैबोरेशन है। मेरा मन था जब दीदी ने स्टार्ट करा था ना उनका पहला बैच, और एक बार दीदी यहाँ पे केक देने भी आई थी, उनकी मैं बहन से केक भी ऑर्डर करती रहती हूँ सृष्टि नाम की, तो मैंने दीदी को बोला था कि मैं आऊँगी आपके पास सीखने के लिए। तो मैं उन्हीं के पास गई सीखने के लिए, क्योंकि यार उन्होंने अभी नया नया सीखा भी था और उनको ये न्यूट्रल लुक्स क्रिएट करने आते हैं, रादर देन वो चमचम गोल्डन ब्राउन पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं लोग, वो नहीं है। बट ये चीज़ें मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी। सो ये पूरा लुक क्रिएट कराया है मेरे से मैम ने, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरा मन था कि आज ये कुर्ती ही पहन के जाऊँ, तभी मैं पहन के गई, अदरवाइज़ देखा जाएगी। और बाकी मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि दीदी अच्छा लग रहा है लुक। सो बता रहा, देखो ये ब्लश लगाने का तरीका एंड सारी चीज़ें और आँखों का भी। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने डेली रूटीन में। अभी तो मैंने एक स्किल सीखी है, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो देखते रहो। भैया मैं रिव्यू पूछ लूँ अपना। मंशु शायद भी तैयार हो रही है। भाई तू तैयार क्यों हो रही है, मेरे से हो तैयार? वॉशरूम में हो? अच्छा आप हो, आप कहाँ जा रहे हो? उसे तो पहले मेकअप लग गया। सर अच्छा लग रहा है, पक्का अच्छा लग रहा है। भाई मेरी चाची को भी देख लो, ये भी तैयार होकर घूम रही है। कहाँ तैयार होके घूम रही हूँ मैं, पर आप मेरा ये देखो, ये लुक दे। हाँ ये वाली चीज़ है ना, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। आज मेरा फाइनल डे था तो मैंने ये लुक क्रिएट करा। मेरे को भी सिखा दे तो सीख लो। अच्छा लग रहा है, सच्ची में अच्छा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पास ही पास, पूरे के पूरे पास। हर एक घर के फैमिली मेम्बर का मैं रिव्यू रिकॉर्ड करती हूँ। तितली बनी हुई है, तितली बनू मस्त उड़ू, दिखाना एक बार ये रिकॉर्ड का है क्या? ये ना पेंसिल वाली चीज वंशिका ने मंगाई, करती तो है नहीं, बस मंगवा कर रख लेती। रुको रुको ऐसे मत करो, लोग ही नहीं रहा। ये रहने का इसने मंगवा रखा है। अच्छा इसमें सारे वो हैं लाइनर, ये लो लगे। मेकअप की बुकिंग आ गई है फ्रॉम माय चाची, कह रही है इन्होंने शादी में जाना है तो मैं मेकअप कर दूँ। आप मेरी आँखों का देखो एक बार, देखो आँखें में कर रही हूँ मैं। ये लो ये लो, कुछ लगाया हुआ है और? हाँ नहीं वो, हाँ ब्राउन कलर का वो लगाया था। नहीं नहीं रमस्कारा भी लगाया। हाँ 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 पहली बार लगा, मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। तो गाइस बैच तो मैंने ले लिया, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। मेरे ना हाथ में ना जख्म हो रखा है इतने दिन से, मैं कहती हूँ कुछ भी कर लो ना, नज़र तो लगती लगती है लोगों की नज़र ही है, और कर लूँ मैं मेकअप तो क्या कहते हैं, मेरे को लग रहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन यार यहाँ पर ना जख्म हो गया है और बहुत ज़्यादा ज़ख्म ना बनता जा रहा है। जैसे तुम लोगों ने देख लिया था मैं दिल्ली गई हुई थी कल और मैं आज आ गई हूँ। क्यों मेरी कज़न सिस्टर भी आई है, जया, जिनका नाम है जया चोपड़ा, अपने बेबी के साथ। सो अभी बस हमने बाहर का कुछ ऑर्डर कर रखा है तो खाएंगे पिएंगे एंड देन फिर मैं आपको मिलूँगी। अपने भाई के साथ जा रही हूँ अपनी पट्टी कराने,
क्योंकि मेरे हाथ में ना जख्म हो रखा था, तो मैंने बैंडेज लगा रखी थी, कल मैं गई हुई थी। अब ये मेरा भाई इतना तैयार हो के जा रहा है ना, हाथ में वॉच पहन के, पॉड लेके, जूता देख लो आप इसके एक बार, क्या जूते ही तो पहने हैं। अब तैयार देखो इसको, मैं कहीं यहीं तक जाना है तैयार होके। ये अपनी बहनों से बात करते हैं ना रात रात भर, जैसे कजन सिस्टर से तो जाता है। कौन सी कजन सिस्टर थी तेरी? अच्छा ये देखो चलो आया बेबी हग में, इस बेबी के लिए सामान लेने के लिए। मजाक कर रही हूँ, अपनी बहन के लिए पीने आया मैं अपने भाई के साथ, पाइन एप्पल वाला, जहाँ पे हम हमेशा आते हैं वहीं पे। फिर हम चेयर पे बैठ गए यहाँ पे लास्ट में, पीछे पाइन एप्पल जूस पी रहे क्योंकि हेल्दी लाइफ जी रहे है। और अभी देखो मेरी हेल्दी लाइफ देखो, डॉक्टर के तो गई नहीं हूँ, पहले डाइट कर रही हूँ अपनी। वैसे ना मुझे भी मन कर रहा था कुछ मोहितो वगैरह पियो, फिर पाइन एप्पल सेम ही काम चल जाएगा। बड़ा अच्छा जूस है पाइन एप्पल वाला। क्रीम फ्रॉम महावीर डायरी, ताकि मैं घर पे फ्रूट क्रीम बनाऊँ। आए बैंडेड करवाने के लिए मेरी, मतलब पट्टी करवाने के लिए हाथ पे, प्रेम सागर अंकल के। नमस्ते करा तूने अंकल को? करा जैसे नमस्ते आपको अंदर घुसते ही, इसने नमस्ते किया था आपको? हाँ किया तो है, चलो नहीं करा होता तो हम तमीज़ सिखाएंगे ना, तमीज़ तो आया था इसमें। चलो पट्टी करवा के मिलते हैं आपको। क्या नया गुस्से से नहीं सीखेगा, प्यार से सीख जाता है। सिखाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बोल दिया था। कह रहा सिखाने की जरूरत नहीं, पहले बोल दिया था। मेरे से ना उस दिन पट्टी करा के गई थी ना तो उतर गई थी, फिर कल मुझे दिल्ली जाना पड़ गया और मैं सुबह आपने कहा था करा जी और टाइम नहीं मिला, तो मैंने बैंडेड लगा के रखी थी पूरा दिन। पता कि मुझे क्या हो रहा था, कह रहा चल पाएगी, मैं गंदी थोड़ी हूँ, इसको अब यहाँ पे आके पता चला कि मैं हाथ में बनवाने आई हूँ। मेरे को पता था, मैं कह रहा हूँ पैर तोड़ दो। ये भाई ये देख लो, अब हम कर रहे हैं शॉपिंग। क्या नाम है भैया आपकी दुकान का? क्या? सेठी। कच्चे क्वार्टर में अपनी बहन के लिए बैग लेने आया, और भैया ने यूट्यूब पे हमें देखा हुआ है। अच्छी चीज है, अब ना लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं जहाँ से बैग लेने गई थी उन्होंने बोला आप तो वीडियो बनाते हो। एक बार मैं एक और जगह गई थी, उसने मुझे हाँ सरदार जी की हॉट डॉग लेने के लिए जो फा के सामने खड़ा होता है, उसने मुझे बोला कि यार आप वीडियो बनाते हो, उसने मुझे मेरी वीडियो से पहचाना। आज बैग वाले ने मेरे को मेरी वीडियो से पहचाना कि आप ब्लॉग बनाते हो। तो मैं तो बस बहुत रेयर निकलती हूँ, बट इट फील सो नाइस कि लोग आपको देखते हैं और रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आप ही अपनी बहन के लिए जो मेरे से बड़ी है, मेरे से बड़ी दीदी के लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा बैग, थोड़ा स्टाइलिश है जो मुझे पसंद आया। हम रात को उनको देंगे, अगर वो कंफर्टेबल हो गए वीडियो के आगे तो हम उनको शूट भी करेंगे, उनके लिए और उनके बेबी के लिए जिसकी मैं मास्की रखती हूँ उसके लिए। मैं ना टॉकिंग वाला कैक्टस लेके आई हूँ, वो कैक्टस ना मुझे पसंद आया था कायू के लिए एक बार, बहुत टाइम पहले की बात है, तब उसकी क्वालिटी हमें इतनी अच्छी मिली नहीं थी, अब हमें अच्छी मिल गई है। और अबीर मतलब जो बेबी बॉय है उसका नाम है अबीर, उसको अच्छा लगेगा आई गेस। तो मैं अभी फ्रूट क्रीम में बनाऊंगी मीठे में, तो बताते हैं कैसा लगेगा उनको भी खा के। मैं खुद बनाऊंगी अभी, मैं फ्रूट भी लेके आई थी सारे। सो गाइस मेरी मम्मी यहाँ पे, उनसे थोड़ी देर से पहले ब्लॉग में आएगा, थैली खोलने की कोशिश कर रही थी और उन्हें फाड़ी थी फाइनली। और हमने अपने बड़ी बहन के लिए किरदारी भरी है, अभी उनका बेबी तो सो गया फेरी हो। सो गाइस ये है मटन ग्रेवी चाप, मेरी दाल मखनी, और फ्री की चीज़ जो गलत आ गई थी फिर हमने फ्री में खा ली, ये पनीर और फ्री का रायता, और बस। और ये भी हमारी प्लेट खा ली क्योंकि मम्मी चीज़ें लाने भूल गई। जय जय करो, जय 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 करते अभी कर रहा था, जय 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 पीपल। मेरी बहन मंशिया के पास अबीर जा चुका है, मेरी बड़ी मासी की बेटी का बेटा, और किसी के पास नहीं जा रहा, मैं मंशिया के साथ आराम से पड़ गया मंशिया के पास। और कह रहे तो कह आ जाओ नैना नैनी को, मंशिया खा ले, तू खाएगा चाप आप सब है, चाप है दाल मखनी, मम्मा इसको दो ना ये चाप और रोटी खाएगा, इसको चाप पसंद, एक खा ले, एक ये वो है स्पाइसी चाप, ये पूरी खा ले भाई, अपनी माँ को याद कर ले। बेदख कर दिया उसने, अरे उसको सॉफ्ट पिलो मिल गया, अभी का गिफ्ट है ये, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। हाँ
अब ये जितनी चिल्लम चिल्ली करेगा ये भी इसके साथ करेगा। अभी आप भी खोलो ना मेरे साथ। हाँ जी भाई साहब। हाँ ये अभी की बातें रिपीट करेगा। देखना कैसे देख रहे कैसे। अब एक बार हेलो हेलो कराना। ओ हेलो अभी आप बोलोगे ना अबीर। बोलो अबीर अबू वो कोशिश कर बोल दो भी चिकी चिकी मम्मी को देखने दो क्या करेगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये खुश हो रहा है इंटरेस्ट ले रहा है। चलो खुश हो गया ये पास हो गया गिफ्ट अब पास। थैंक यू कर दो मर्जी का। करियो बात। मम्मी एक मिनट रुकना। हाँ जी मम्मी बात करने दो एक बार उसको। हाँ जी करो बात। हेलो 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 ठीक है।